बैस बाल को तो भाईजान मोए मोए कर दिया बैस बाल के साथ। जो रोहित शर्मा ने टोन सेट की आपकी, उसके बाद इंग्लैंड के पास हैड नो चांस, नो डिसरिस्पेक्ट टू इंग्लैंड। और जब बैकअप की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के पास इस टाइम पर सबसे बड़ा पिंडार बैकअप मौजूद है भाई। रोहित शर्मा नाम है इंसाफ का, रोहित शर्मा मर्दे भोरा नहीं, लेकिन रोहित शर्मा वर्ल्ड कप से लेकर बल्कि एशिया कप से लेकर अब तक खड़ा हुआ है, ना आराम मांग रहा है, बल्कि उसे देखकर आज बेन स्टोक घड़ी देख रहा था और एम्पायर के पास जा रहा था, वे तो मार रहा है कि आज ही खत्म करवाओगे। कल तक जो इंग्लैंड फेवरेट हुई भी थी, आज किस बुरे तरीके से एक्सपोज हुई, जिस चीज का डर था वही हो गया। इंडिया की तरफ से सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को मिली है, हर नए मैच में कोई नया टैलेंट आता था और अपना नया रिकॉर्ड बना के चला जाता था। सबसे पहले बात करें अगर हम रिसेंट काशदीप की बात करें, काशदीप काफी अच्छा परफॉर्म करके गए, आते साथ डेब्यू में बड़ी बड़ी विकेट्स नहीं, उन्होंने लाग ही नहीं रहा था उनका डेब्यू, उनके कॉन्फिडेंस लेवल से नहीं लग रहा था। उसके बाद अगर बात करें जुरेल की बात करें, जुरेल ने आगे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और चौथे मैच में आके उन्होंने काफी अच्छी इनिंग खेली है, इंपैक्टफुल स्कोर थे वो 90 स्कोर, अगर वो ना होते तो फुल टाइम बैट्समैन बन जाना चाहिए, फुल टाइम बैट्समैन बन जाना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अगला मैच भी जीत के 4-1 से इनको निल मार दे, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। इनका ये जो 2 दिन डोमिनेट इन्होंने हल्का सा क्या कर लिया, इन्होंने तो ये भूल गए हुए थे कि घंटा भी बचता है। इंडिया के युवा खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की बचा के रख दिया यार। नो कोहली, नो श्रेयस अय्यर, नो केएल राहुल, नो जसप्रीत बुमराह, उसके बावजूद ठुकाई कर दी है सही तरह से इंग्लैंड की यार। दूर जुरेल, रिमेंबर द नेम, क्या खिलाड़ी है यार, प्रेशर सिचुएशन का मास्टर है यार, टर्निंग ट्रैक है, स्पिनर ट्रैक है, अपनी गेम के अगेंस्ट खेलना पड़ रहा है, हार्ड हिटिंग करते हैं, छक्के लगाते हैं, तेज खेलने वाला स्ट्राइकर है यार। मतलब इंडिया के नौजवानों को आप जितनी मुश्किल से मुश्किल में डालो, वो उससे अच्छे से अच्छा बाहर निकल के आ रहे हैं यार। इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में पकड़ के इंग्लैंड का छंकना और घंटा दोनों बजा दिया है और इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली है, इंग्लैंड को पकड़ के बजा दिया है इंडिया ने। दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच और भारत ने ये मुकाबला जीत लिया है। बेसबॉल का जो घमंड था इंग्लैंड का, वो भारत ने रांची के मैदान में तोड़ दिया। भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से धूल चटाई है और सीरीज पर हमने कब्जा जमा लिया, यानी कि भारत ने ये सीरीज अपने नाम कर लिया है। बस अब एक और धक्का देके, यानी कि एक और मैच जीत के 4-1 से इंग्लिश टीम को ये मैच हराना है। चौथे टेस्ट मैच में भारत ने 5 विकेट से ये जीत दर्ज की है और जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इस सीरीज को 3-1 से, मतलब 3-1 से बढ़त बनाते हुए अपने नाम कर लिया है। भारत की ओर से शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने शानदार, दमदार और क्रूशियल बल्लेबाजी की, उन्हीं की बदौलत ये लगता है कि मुझे उन्हीं की बदौलत भारत ने ये जीत दर्ज की है। दमदार बल्लेबाजी की और 6 विकेट के लिए 72 रनों की पार्टनरशिप कर भारत को जीत दिला दी उन्होंने। गिल ने नाबाद 52 रन बनाए, वहीं जुरेल ने 39 रनों की पारी खेली। एक समय भारत के 5 विकेट गिर गए थे। जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है, ऐसा ही महसूस हो रहा है कि भाई इसका 50 टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस है। जिस कमाल से, जिस महारत से, जिस कॉन्फिडेंस से इसने इस मैच में परफॉर्मेंस दिखाई है विद द बैट, लाजवाब है जी। उसकी जिस मैच में इंडिया बिल्कुल डाउन आउट, दोनों इनिंग में डाउन एंड आउट था, पहली इनिंग में भी बिल्कुल फर्क था, 177 पे 7 आउट हो गए थे और दूसरी इनिंग में भी 120 पे 3, 120 पे 4, 120 पे 5वीं विकेट भी गई, मतलब 3 आउट 120 तक, चौथी और पांचवी भी गई। तो ये देखें, ये न सिर्फ मैन ऑफ द मैच बना बल्कि इसने साबित कर दिया कि आपके अंदर टैलेंट हो तो पतिदार या भरत नहीं, फिर वो जुरैल भी होते हैं। सब कीजिए थोड़ी मिठाई बाटी, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसा वाला टेस्ट मैच जो इतना सीसॉ करता है, जिसके अंदर आप फर्स्ट इनिंग लीड कंसीड कर जाते हो, ऐसा लगता है कि अब तो यहां से आप नहीं जीत पाएंगे, पर वहां से आप निकल जाते हो। कई बार मौके आते हैं जहां पे जेन्युइनली वो जान हलक में रहती है, पर यू कम आउट ऑन टॉप। ये जो युवा भारतीय टीम है ना, एंड लेट्स बी फेयर, बहुत ज्यादा युवा भारतीय टीम है। इनफैक्ट आज हम एक स्टैट देख रहे थे, उसमें सच ये था कि चौथी इनिंग्स टेस्ट मैच में किस किसने बैटिंग की है, भाई बहुत लोगों ने नहीं की थी। उसके अंदर रजत पाटीदार भी थे, उसमें सरफराज भी थे, उसमें ध्रुव जुरेल भी थे, उसमें कुलदीप यादव भी थे, उसमें आकाशदीप भी थे, शुभमन गिल के भी आंकड़े, मतलब कोई ऐसे कोई खास नहीं, तो बहुत कम बार खेले हैं बेचारे। तो चौथी इनिंग्स में क्या होता है, कितना दबाव होता है, इसका तो एहसास भी ढंग से बच्चों को नहीं था। और उस दबाव को सोखने के लिए कप्तान की आवश्यकता थी, क्योंकि घर का सबसे बड़ा जो है ना वो रोहित। इनिंग्स में जब बैटिंग करने आया तो इंडिया दे वर इन अ ट्रबल। इस वाले में भी आप नहीं कह सकते जी कोई मसला ही नहीं था, ऊपर नीचे 2 विकेटें गिरी है तो अभी मतलब ठीक ठाक रन रहते थे, जिस तरह का पिच का बिहेवियर था। तो दोनों इनिंग्स में जब बैटिंग करने आया इंडिया दे वर इन ट्रबल, और आके इसने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है, इट वाज अमेजिंग। गिल की इनिंग भी बड़ी लाजवाब थी और बहुत ही बेहतरीन दोनों बच्चे खेले हैं।
गिल भी ज़्यादा बच्चा ही, अभी 22-23 साल का ही है, कौन सा 90 रन गिल के भी बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, कोई शक नहीं, बहुत ही वेरी गुड, वेरी गुड 50 आई है उसकी, बहुत ही टाइमली 50 उसकी भी आई है, बट आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब द ब्रिलियंस ऑफ दिस गाय जरेल, द वे ही बैटेड स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग, फर्स्ट इनिंग के जो इसके रन आए थे उसी ने टीम इंडिया में एक एनर्जी फूंकी थी कि भाई ये बच्चा देखो कितनी मेहनत करके कहां से लीड जो एक्सपेक्टेड था कि ऑलमोस्ट कोई 100 रन 80 रन मैसिव लीड, इस तरह की पिच पे ये बहुत मैसिव लीड होती है, उतनी ले जाएंगे वो लेस देन 50 लेके आना, और फिर उस कॉन्फिडेंस को टीम इंडिया ने बॉलिंग में भी वो नजर आई, फिर बैटिंग में भी ठीक ही चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन जो ऊपर नीचे विकेट गिरी, तो दोनों इनिंग्स में जब बैटिंग करने आया इंडिया देवर इन ट्रबल, इन डीप ट्रबल, तो आके फिर इसने बहुत ही लाजवाब इंडिया की जो कश्ती भंवर में फंसी हुई थी किनारे, फील्डिंग टेस्ट मैच के बाद एक नेल बैटिंग किस्म की फिनिश आवाज, पहले दिन से आपको कहता था कि इंडिया को इंडिया में हराना, पहले टेस्ट मैच में फ्लू का लग गया, इंडिया के बेंच के ऊपर भी इसी किस्म के प्लेयर इस वक्त बैठे होंगे, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि कोई एक चला जाएगा या अनफिट हो जाएगा, जैसे भी बहुत सारे प्लेयर्स आप देख रहे हैं, विराट नहीं है, शमी नहीं है, बुमराह नहीं है, मतलब आपके मेन प्लेयर्स नहीं है, कि इंडिया को क्रिकेट के अंदर आगे 4-5 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, नहीं उसने एस्टिमेट किया कि एक पूरी लॉट अभी इस वक्त बेंच के ऊपर बैठी हुई है, अगर अगर ये लॉट नहीं चलती, अनफिट हो जाते प्लेयर्स, तो इस जो ग्राउंड के अंदर प्लेयर खेल रहे ना मोहसिन भाई, उससे अच्छा प्लेयर आपके बेंच के ऊपर बैठा है, और उन्होंने साबित किया है। बाबर आजम के ऊपर हम क्या बात करते हैं, क्यों तनकीद करते हैं कि बाबर आजम इंडिविजुअल प्लेयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो टीम के लिए स्कोर करने जाता है, जब उसको पता होता है कि टीम को जितवाना है या टीम को क्राइसिस से निकालना है, तो वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, कप्तानी के अंदर भी उसका यही मसला रहा है कि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अगर ऑपोजिट अपने सब कॉन्टिनेंट की टीमें देखें तो वो मेंटली टफ है, बिल्कुल ऐसे मेंटली टफ होने की वजह से वो जो प्रेशर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, बिल्कुल ऐसे तमाम प्लेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं प्रेशर के अंदर, बिल्कुल इधर प्रेशर आता था तो इधर ऐसा लगता था कि हमारे खिलाड़ी जमीन के ऊपर गिर गए, तो ये इंडिया ने एडवांटेज लिया है जयसवाल पे, हर मैच में परफॉर्म यार, मैं फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि जादू है उसके हाथ में, प्रॉमिसिंग क्रिकेटर, मैं तो आपको अक्सर बताता हूं कि यार मैं इसे अंडर 19 के टाइम से फॉलो कर रहा हूं, लेकिन अब्बास भाई कमाल है यार, इंडिया के पास इस वक्त टीम के अंदर मौजूद और बेंच पर बैठे हुए विकेट कीपर्स की तादाद पता है कितनी है, एक दर्जन, डजन। इस मैच में आपकी जो परफॉर्मेंस रही है जुरेल की, अब्बास भाई पहली इनिंग्स में कमाल परफॉर्मेंस, दूसरी इनिंग्स में जब विकेटें गिरी ना इकट्ठी, तो वो इंडिया प्रेशर में तो था, दो स्कोर 50-60 ही रह गया था, 50 के अराउंड था, लेकिन जिस तरीके से वो फिर खेला, फिर पहले इनिंग्स में उसने जो नवे किया 60 के स्ट्राइक रेट से, अगेन उस वक्त भी प्रेशर था, विकेटें इकट्ठी गिरी थी, कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी जयसवाल और गिल के अलावा, बाकी कोई भी परफॉर्म नहीं कर सका था, कुलदीप ने बड़े क्रूशियल 28 ये लगता है कि मुझे उन्हीं की बदौलत भारत ने ये जीत दर्ज की है, दमदार बल्लेबाजी की और छठे विकेट के लिए 72 रनों की पार्टनरशिप कर भारत को जीत दिला दी इन्होंने। गिल ने नाबाद 52 रन बनाए, वहीं जुरेल ने 39 रनों की पारी खेली। एक समय भारत के 5 विकेट गिर गए थे मात्र 120 रन के स्कोर पर, और ये सारे विकेट गिरे थे 84 से 120 रन के बीच में, यानी कि 84 से 120 के बीच में भारत ने 5 विकेट गवा दिए। ये बहुत ही सब सारे फैंस की सांसें रुक गई थी, सब सांसें थाम के देख रहे थे कि ये इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में क्या हो गया है, कैसे एकदम बाजी पलट ली, और यही वो सिचुएशन थी जब टीम जो इंडिया थी वो प्रेशर के अंडर थी और अंग्रेज बिल्कुल प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे, और लग रहा था कि इंग्लिश जो टीम है वो भारत को 170-80 से पहले ही क्रश कर देगी, लेकिन इसके बाद गिल और जुरेल ने जो मिलकर कमाल की पारी खेली है उसकी बदौलत, उसकी ऐतिहासिक पारी की बदौलत टीम को ये अहम जीत दिलाने में कामयाब हुए हैं। इससे पहले तीसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ था तो भारत ने बिना विकेट खोए 40 रन बना लिए थे। भारत की टीम अपने घर पे लगातार 70वीं टेस्ट सीरीज जीतने में सफल रही है, और टेस्ट मैच की बात करें तो इंग्लैंड की दूसरी पारी केवल 145 रनों पर सिमट गई थी। अश्विन ने इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान 5 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया था, और इसके अलावा भारत ने पहली पारी में 307 रन बना दिए थे, जिसमें ध्रुव जुरेल ने 90 रन का शानदार स्कोर ऐड किया था। रांची टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, और पहली पारी में इंग्लैंड ने 353 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड ने भारत पर 46 रन की बढ़त बना दी थी। अब बेसबॉल के इस युग में इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है, यानी कि मैकुलम के कोच बनने के बाद पहली बार इंग्लिश टीम टेस्ट सीरीज में हार का सामना
कर रही है और ये हार इंग्लैंड को काफी समय तक याद रहेगी। भारत की ये जीत पाकिस्तान में भी काफी चर्चा का केंद्र रही। पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और जो क्रिकेट फैंस हैं वो भारत की इस जीत की प्रशंसा करते नजर आए और उन्होंने भारत की टीम की जमकर तारीफ भी की। साथ में उन्होंने एक बात और कही थी कि जिस तरीके से इंग्लैंड ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को बुरे तरीके से हराया था उसी तरीके से इस बार इंग्लैंड की टीम भारत में आई, लेकिन इंग्लैंड को ये दाव उल्टा पड़ गया और भारत ने इंग्लैंड की टीम को उतने ही बुरे तरीके से हरा दिया जितने बुरे तरीके से इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को हराया था। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।